हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मसाला भेजा फ्राई। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने लिया है भेजा, बफेलो भेजा ले लिया है हमने। इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जो भी इसके ऊपर ये नस और ये जो भी है से हम निकाल लेंगे। आप इसे उबालने के बाद भी निकाल सकते हैं, हम इसे पहले ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो एक परत सी है, इसे हमें हटाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये निकाल लेना है। बहुत ही ध्यान से निकालना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने साफ़ कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने भेजा ले लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 कप, और इसमें हम ऐड करेंगे नमक और हल्दी। नमक हम ऐड करेंगे 1 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, 10 से 12 मिनट में ही ये बॉयल हो जाता है। और ये जो ऊपर ये सब आ गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये फैन इस तरह चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे ये सब। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सब निकाल दिया है। ये देखिए, एक प्लेट में हमने भेजा ले लिया है बॉईल किया हुआ। इसका जो पानी है वो हमने अलग ही रखा है, उसे हम यूज़ भी कर लेंगे आगे। अब हम भेजे को इस तरह से कट कर लेंगे। इसमें नस वगैरह जो भी दिखाई दे वो निकाल लेंगे हम। इसे हम अच्छी तरह से काट लेंगे। ये देखिए, हमने काट लिया है इस तरह से मोटा मोटा। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। अब हमने 3 प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं। इसे हमें फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इसे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च है इसमें पिसी हुई, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। 1.5 खाने का चम्मच हमने ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं अदरक लहसुन को। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, और इसे भी हम इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, चलाते हुए पका लेना है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच, क्योंकि हमने भेजे में भी ऐड किया था नमक। अब ये मसाले ले लिए हमने, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे मसालों में, और इसे भी भून लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है हमने। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं हम लो फ्लेम पे। ये देखिए, अब हम इसमें वो भेजे वाला जो पानी बचा था हमारा, वो हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा ही पानी ऐड किया, मसाला जले नहीं इसलिए। अब हम इसमें भेजा जो हमने काट के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला देंगे, और इसे भी हम भूनते हुए पका लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मसालों में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इसे हम पका लेंगे इसमें, इसी कढ़ाई में मसालों के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, और इसे हमने 5 से 7 मिनट और पकने दिया है। अब हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, भेजा मसाला फ्राई हमारा बनके रेडी है। आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।